दोस्तों ये अब ये नए घर के कर्टन यहाँ पर लग रहे हैं, तो जब भी आप कर्टन फिक्स करते हैं ना, तो देखिए ये क्या होता है कि ये जो पाइप है ना, इसकी एजेस आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक से निकली हुई है। तो देयर इज अ चांसेस कि ये जो कर्टन है उसको ये क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक इंजीनियरिंग का एक टेक्निक लगाई है, निंजा टेक्निक है, रिद्धि ने दी है टेक्निक। ये बबल्स जो आते हैं ना पैकिंग वाले, बबल्स हम इसके ऊपर से लगाते हैं। इसको लगाने के बाद में ये रबर से आप इसको टाइट कर देंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से। और ये टाइट करने के बाद क्या होता है, इसकी एजेस छूट जाती हैं। हर दी दो बेटा वो वाला एंड कौन सा था देख। और अब इसके बाद में अभी देखिएगा, हम इसमें इसका ये एंड लगाते हैं और इसके बाद में ये स्मूथली जाता भी है, फटने का डर भी नहीं रहता। और कभी मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी घर शिफ्टिंग करें तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी रिद्धि की निंजा टेक्निक है। ये देखिए कितना स्मूथली जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर अभी आपके कर्टन के फटने का भी डर नहीं है, क्योंकि ये कर्टन बड़े महंगे महंगे हैं, क्योंकि हम बड़े इमोशन के साथ में खरीदते हैं। और इसके बाद में सारा काम कंफर्टेबली आप कर सकते हैं और आपके कर्टन जो है घर को बढ़िया डेकोरेट करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। मैंने इसलिए पहन रखा है कि सर्दी बहुत हो रही है बेंगलोर में। आप सोच सकते हैं कि मैं भी थोड़ा सा बड़ा वो था कि नॉर्थ में जब भी लोगों से बात करता हूँ तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर 46-47 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 18-19-20-17 इस तरीके से टेम्परेचर है। तो ये आशा करता हूँ कि ये आपको टेक्निक हमारी समझ में आई होगी। तो थैंक्स टू रिद्धि सजाने के लिए, इनको बताने के लिए। और ये कर्टन अंदर जा रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने कर्टन को। बाहुबली स्टाइल में कर्टन लगाया जा रहा है भाई। ये घर शिफ्टिंग के बाद में ये कर्टन का जो बड़ा टास्क है ना, इसको भी कंप्लीट किया जा रहा है भाई। बहुत ही मेहनत से लगाए जा रहे हैं ये कर्टन, लिविंग रूम के ये कर्टन लगाए जा रहे हैं। पंकज जी लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लंबाई तो देखिए भाई, देखिए ये आइकिया के कर्टन है और आइकिया के कर्टन हमेशा बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो अभी हमने इसको कट नहीं करवाया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भाई जो नया घर होगा उसमें कितनी लेंथ चाहिए होगी। तो फिलहाल हमने ऐसे ही लगा दिया है, देखेंगे आगे हम इसको थोड़ा इसके साइज के अकॉर्डिंग कर लेंगे।